हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी जो करवाई जा रही है उसका आप अध्ययन कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे थे एल्कोहल। एल्कोहल में मैंने आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल स्टार्ट करवाया था, जिसमें अपन फॉर्मेशन जो मेथड है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो उसका देख रहे थे। इसमें अपन ने कल तक काफ़ी रिएक्शन देखी थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह से रिएक्शन सब ने देखी थी, जिससे अपने एल्कोहल जो उसका फॉर्मेशन किया था। आज की जो रिएक्शन सब अपने सामने ये है, इन रिएक्शंस को आज हमें वन बाय वन करके सॉल्व करना है, कौन कौन सी रिएक्शन कैसे कैसे होगी। आज की रिएक्शन में अपन पहली रिएक्शन जो ले रहे हैं वो है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स जो है ये अपने को सबसे पहले लेनी है। तो नंबर वन है यहाँ पर फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स। अब ये हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स क्या होती है? जब एल्किन का जलयोजन, हाइड्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर जलयोजन, यानी जल का अपने पास योग करना है, जलयोजन। तो ये अपने पास आज की रिएक्शन है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जैसे एल्किन अपने पास है, एल्किन अपने पास कम से कम कार्बन की है, दो कार्बन की एल्किन, ठीक है, कम से कम होती है दो कार्बन की एल्किन। तो दो कार्बन की एल्किन जो होती है वो अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्किन है मतलब इसके ऊपर अपने को H2O का एडिशन करवाना है, ठीक है, जलयोजन करवाना है। ये रिएक्शन तभी संपन्न हो पाती है जब प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हो, उपस्थिति के रूप में H2SO4 यदि हम लेते हैं, तो H2SO4 लेते हैं तो ये रिएक्शन जो प्रोसीड होती है बॉन्ड की शिफ्टिंग से। इसमें क्या होता है, जैसे दोनों तरफ आप देखते हो इस डबल बॉन्ड के इधर और इधर दोनों साइड में सेम कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्किन, सममित एल्किन, ठीक है। तो इसमें आप बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर भी करवा सकते हो, इधर भी करवा सकते हो और इधर भी करवा सकते हो। जैसे मैं बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर करवाता हूँ तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। H2O जो इसको अपन लिख सकते हैं H और OH के रूप में, जिसमें ये प्लस का और ये माइनस का, उसके माइनस पर इसका प्लस आता है तो यहाँ से बनता है CH3, फिर आता है CH2, अब ये प्लस का प्लस पर इसका माइनस जुड़ता है तो ये बन जाता है यहाँ से OH। तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, एथेन प्लस ओल, ये बन जाता है यहाँ से एथेनॉल। तो एथेनॉल का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से इस प्रकार से हो जाता है, रिएक्शन नंबर फर्स्ट। यदि मैं इसी में एल्किन चेंज करता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये जैसे कोई एल्किन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एसिमेट्रिकल एल्किन है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये इस एल्किन के इधर की साइड में CH3 जुड़ा हुआ है, बाकी इधर की साइड में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक एसिमेट्रिकल एल्किन है, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल जो एल्किन है तो इसके लिए बॉन्ड की शिफ्टिंग क्या होती है, इस साइड में होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ्स लॉ। आपने मार्कोनिकोफ का रूल पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, एनी कोई भी अपने पास एसिमेट्रिकल एल्किन है तो उस एसिमेट्रिकल एल्किन पर अपन किसी भी एल्किल हैलाइड या किसी भी नेगेटिव ग्रुप वाला, पॉजिटिव नेगेटिव वाले होते हैं ग्रुप वाले, उसमें अपन अटैक करवाते हैं तो उसका जो नेगेटिव ग्रुप है वो एल्किन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, लेस होती है, कम होती है, ठीक है। इफ एसिमेट्रिकल एल्किन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल, देन इट्स नेगेटिव ग्रुप अटैक टू दोज कार्बन विच हैव मिनिमम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, कम से कम हाइड्रोजन यदि उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी रिएक्शन अपने इसके साथ करवा रहे हैं और अपने पास H2O है, ठीक है। तो H2O जो प्रेजेंस ऑफ अपने पास H2SO4 है, तो यहाँ से क्या होता है, इस H2O को अपन कैसे लिख सकते हैं, H और OH। तो अटैक जो है वो मार्कोनिकोफ के रूल के अकॉर्डिंग कैसे होता है, इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, वहाँ पर क्या होता है नेगेटिव जुड़ना चाहिए, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगी, इधर होती है तो नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज ये प्लस और माइनस। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या आ गई, CH3CH ये प्लस है, प्लस पर इसका माइनस आ गया, ठीक है। तो ये आ गया CH, यहाँ पर आ गया है OH, CH2 के बाद में जुड़ गया यहाँ पर CH3। तो इस प्रकार से एल्कोहल की फॉर्मेशन अपने पास हो गई है। इसको बोलते हैं मेथ एथ प्रो प्रोपेन टू पर ऑल है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइड में मैकेनिज्म देखेंगे नीचे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, तो या टू प्रोपेनॉल इस प्रकार से, या टू डिग्री एल्कोहल जो है सेकेंडरी एल्कोहल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल है वो अपने को प्राप्त हो जाता है। इसका नाम मैंने बताया ना, प्रोपेन टू ऑल IPAC पद्धति में आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी है, ये आइसो ग्रुप भी है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, ये इतने तरह कार्बिनॉल भी होता है, डाईमिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। तो ये इसका कार्बिनॉल मेथड में नाम होता है। तो इस प्रकार से होता है, जबकि इसकी मैकेनिज्म अपन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि एच जो है वो कैसे काम करता है, यानी इसकी क्रियाविधि अपन देख रहे हैं, मैकेनिज्म
तो इसकी क्रिया विधि जो है उसके अंतर्गत अपने को पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन जो है वो कैसे संपन्न हुई है। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में अपने को क्या करना है, सबसे पहले देखिए अपने पास H2SO4 है, तो मैकेनिज्म जब होती है तो अपने पास जो एसिड है उस वो काम आता है सबसे पहले, तो H2SO4 है इसको आप आयंस में तोड़ दीजिए, तो H2SO4 को आप आयंस में तोड़ेंगे तो अपने पास आएगा H तो प्लस का आएगा, प्लस SO4 जो है HSO4 जो है वो अपने पास किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो H प्लस और HSO4 माइनस, तो ये अपने पास H प्लस है, ये एक स्पीसीज होगी प्रोटॉन स्पीसीज, तो H प्लस यानी मतलब एसिड की, तो ये तो खास बात होती है कि जो एसिडिक मीडिया है उसके अंतर्गत क्या होता है कि H प्लस डोनर स्पीसीज होती है, तो H प्लस देने वाली स्पीसीज जब हुई तो अपने पास एसिड H प्लस इसने डोनेट किया है, तो अपने पास कोई भी अपने पास जैसे ये रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे अपने पास इसके साथ रिएक्शन करवानी है, जैसे ये अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन जैसे अपने को करवानी है वाटर के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन बाद में करेगा, सबसे पहले इसके ऊपर क्या हो गया ये प्रोटॉन जो है वो जुड़ेगा, सबसे पहले इसका जो प्रोटॉन है वो जुड़ जाएगा H प्लस, तो H प्लस यदि अपन जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या हुआ बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे होती है, जैसे इधर की साइड में करवा दो इधर करवा दो, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये नेगेटिव चार्ज वाला हो गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके नेगेटिव और उसका पॉजिटिव जुड़ता है तो वो बनता है CH3, फिर आता है CH2, यहाँ से आता है प्लस, यानी कार्बोकेटाइन का निर्माण यहाँ से हो जाता है, ये अपने पास जो बनता है वो क्या है यहाँ पर कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन स्पीसीज जो अब अपने को यहाँ से प्राप्त हो जाती है। अब ये कार्बोकेटाइन जो बनता है इसके ऊपर अपन H2O जो ले रहे हैं ना, इस H2O का टेक करवाते हैं H2O, तो H2O जो है इसमें जो ऑक्सीजन है ये इसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं आपको पता है, तो ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ से इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करता है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी आती है CH3 CH2, फिर ये ऑक्सीजन दो है अपने पास, सॉरी ऑक्सीजन एक है, दो हाइड्रोजन है OH2, ठीक है, इस पर चार्ज जो है वो क्या आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर दो ही इसकी वैलेंसी होती है, तीन हो गए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस का, ये प्लस का चार्ज जो होता है वो सेटिस्फाई कब होता है, जब इसका जो हाइड्रोजन है ये या कोई सा भी एक हाइड्रोजन वो शिफ्ट होकर इसके ऊपर आ जाता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको वापस मिल जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिलेगा, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या आई CH3CH2OH, ये आ गया अपने पास OH प्लस, ये इधर शिफ्ट हुआ है तो ये H जो है वो प्लस के रूप में आउट हो जाएगा यहाँ से, H प्लस यहाँ से आउट हो गया। अब ये तो बन गया अपने पास मेन प्रोडक्ट एथेनॉल जो है इसका मेन प्रोडक्ट आ गया, प्लस H प्लस अपने पास निकला है तो ये अपने पास किसके साथ जुड़ जाएगा, HSO4 अपने पास है, HSO4 जो माइनस का है इसके ऊपर अपना H प्लस जो है वो जुड़ जाएगा, तो H प्लस इसके ऊपर जुड़ता है तो यहाँ से बनता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण यहाँ से हो जाता है और एथेनॉल का फॉर्मेशन अपने पास हो जाता है। ये अपने पास मैकेनिज्म है, यदि आप इसकी मैकेनिज्म देखते हो तो यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा दीजिए तो यहाँ से सेकेंडरी जो एल्कोहल अपने पास या प्रोपेन टू ऑल है उसका निर्माण हो जाएगा, तो इस मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है अपने पास एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है एल्किन के साथ, तो एल्किन रिएक्ट विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट चेंज इन टू एल्कोहल। इन दिस रिएक्शन यू कैन सी दैट दिस एसिमेट्रिकल एल्किन रिएक्ट विद H2O, देन दिस OH ग्रुप अटैक ऑन दिस एसिमेट्रिकल एल्किन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स लॉ, एंड दिस इज H प्लस, यू नो दैट मार्कोनिकोव्स लॉ, OH इज अटैक ऑन एल्किन्स दोज कार्बन विच है मिनिमम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो OH अटैक ऑन CH, देन दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म में H2SO4 जो है वो टूट जाता है H प्लस एंड HSO4 माइनस, दिस H प्लस रिएक्ट विद दिस एल्किन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब ये कार्बोकेटाइन जो बनता है इसका आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन जो होता है वो कौन सा स्थाई ज़्यादा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो कार्बोकेटाइन है इसमें से सबसे अधिक जो कार्बोकेटाइन स्थाई होता है वो कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें नोट के रूप में आप देख लीजिए कि कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की वो क्या होती है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये होता है CH3 और ये प्लस, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये सबसे अधिक स्टेबल होता है, इसके बाद में होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन CH3CH3H, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये उसके बाद का आ गया स्टेबिलिटी, और सबसे बाद में जो स्टेबिलिटी आती है CH3CH3
ठीक है, सी एच थ्री सी एच टू, सी एच टू इस पर चार्ज आ गया प्लस का, तो ये अपने पास आ गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबिलिटी शो करता है, तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी, फिर और अधिक, फिर और अधिक, इस प्रकार से स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो आता है। तो इसके बाद में स्टेबिलिटी ऑर्डर आने के बाद में आगे अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो रिएक्शन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने देखा इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आपने देखा फ्रॉम हाइड्रेशन, ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट जो है वो यहाँ से हो जाती है। इसके बाद में हम इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है यहाँ पर बाई मर्क्यूरेशन रिएक्शन, बाई मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन बाई मर्क्यूरेशन रिएक्शन, मर्क्यूरेशन रिएक्शन जो है वो अपने को देखनी है यहाँ से क्या होगी। अब मर्क्यूरेशन का मतलब यहाँ पर हो रहा है मर्करी जो है उसका एडिशन होना है, और मर्क्यूरेशन के अंतर्गत अपने पास दो हैं, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, डी मर्क्यूरेशन वी मर्क्यूरीकरण। यानी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण का मतलब होता है कि यहाँ से Hg जो है वो ऐड होता है, और वी मर्क्यूरीकरण का मतलब होता है Hg जो है वो यहाँ से निकलता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसीजर होगी ना, ये ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सी, और ठीक है डी मर्क्यूरेशन यहाँ से Hg जो है वो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया कि एक में क्या हो गया कि Hg जो है वो जुड़ेगा और दूसरे में Hg जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, तो ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और वी मर्क्यूरीकरण रिएक्शन जो वो यहाँ से संपन्न होती है। तो ये होती कैसे, जैसे कि सबसे फर्स्ट है यहाँ पर बाई मर्क्यूरेशन रिएक्शन, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, अब मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया द्वारा अपने फर्स्ट क्या लिख रखी है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिएक्शन में फर्स्ट अपने पास ऑक्सी, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसको ध्यान से समझेंगे क्या होती है। अपने को क्या करना है, एल्किन जो अपने पास उसकी रिएक्शन करवानी है यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। अब मैं यहाँ पर एल्किन ये ले रहा हूँ, देखिए ये एल्किन है जो कि बेस्ट एल्किन अपने पास है, सी एच थ्री का होल थ्री सी, सी एच थ्री का होल थ्री सी, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये अपने पास कोई एल्किन है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, अब ये 1 2 3 थ्री जो है इसके ऊपर दो सी एस थ्री जो साइड में जुड़े हुए, एक इस प्रकार से इसका नाम यदि देखेंगे तो आप इसी प्रकार से तो करोगे इसका नाम सी एस थ्री सी, सी एस थ्री तीन बार हैं, सी एस थ्री, सी एस थ्री और सी एस थ्री, इसका नाम करते हैं तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेन 1 इन, 1 2 3 3 3 डाई मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेन 1 पर इन है तो 1 इन, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 इन। इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। मर्क्यूरिक एसीटेट को मैं से लिख सकता हूँ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, यहाँ पर आ गया एस जी, यह आ गया मर्क्यूरिक एसीटेट। ये रिएक्शन जो होती है वो टी एच एफ की प्रजेंस में होती है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, इसकी प्रजेंस में रिएक्शन जो है वो होती है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रजेंस में यदि अपने पास रिएक्शन होती है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो कैसे आता है, ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या होता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है सबसे पहले ऐसे करके, उसी प्रकार से होती है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा, उसकी तरफ बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ से हो रही है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स, आपने देखा है पहले भी। तो यहाँ से पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ जाता है। अब यहाँ से आप बॉन्डिंग तोड़ दीजिए इस प्रकार से, तो यहाँ से जैसे आप इसमें बॉन्डिंग तोड़ते हैं कोई सा भी, इसमें ऑक्सीजन एच जी बॉन्डिंग तोड़नी है, ओ एच जी वाले में कोई सी भी एक बॉन्डिंग तोड़ दीजिए, बॉन्डिंग तोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी आएगी प्रोडक्ट की वो आएगी सी एच थ्री जो कि तीन बार है, ठीक है, फिर ये जुड़ा हुआ है सी से, फिर आगे जुड़ा हुआ है सी एच, अभी सी एच जो है उस पर प्लस है, प्लस पर इसका माइनस जोड़ देते हैं सी एच, इस पर माइनस जोड़ देते हैं ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ओ ओ सी ओ सी एच थ्री, एक तो ये जुड़ गया, दूसरी साइड में अपने पास क्या जुड़ा है यहाँ से सी एच के ऊपर
आगे जुड़ा हुआ है सी सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ये माइनस है माइनस पर इसका प्लस आ जाता है, प्लस क्या आता है यहाँ से एच जी, फिर यहाँ से ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, इस प्रकार से सी एच थ्री का होल थ्री ध्यान से देखेंगे सी, फिर इसके बाद में आगे का जुड़ा हुआ सी एच, ये प्लस का प्लस पर इसका माइनस ओ सी ओ सी एच थ्री, फिर इसके बाद में क्या है यहाँ पर सी एच टू, सी एच टू माइनस का माइनस पर ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया एच जी ओ सी ओ सी एच थ्री, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट इसका आता है, ये अपने पास क्या हुआ है यहाँ से ए बन गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि अपने पास जो बना है अभी ये ए प्रोडक्ट बना है, ठीक है। ये किससे बना है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण से बना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन से बना है, इससे ये एच जी जो है इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। इसके बाद में दो नंबर रिएक्शन अपने पास आ रही है डीमर्क्यूरेशन की, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। डीमर्क्यूरेशन क्या होता है यहाँ पर विमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ठीक है। जिसको इंग्लिश वर्ड समझ नहीं आ रहा हिंदी वर्ड देख सकते हैं, जिसको हिंदी वर्ड समझ नहीं आ रहा इंग्लिश वर्ड देख सकते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों वर्ड मैंने आपको आपके सामने लिख दिए हैं, दोनों में से कोई सा भी आपको समझ आए वो आप याद कर सकते हो। तो डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, डीमर्क्यूरेशन में अपने क्या किया आगे देखिए, ए जो बनाया उसमें NaOH और NaBH4 के साथ रिएक्शन करवा रखी है। तो सबसे फर्स्ट तो अपने पास जो ए बना है, ये वाला जो प्रोडक्ट अपने पास क्या बना है ए, इस ए को क्या करते हैं नीचे लेके आते हैं। पहले देखिए ध्यान से समझेंगे कि ए जो है मैंने सही लिखा है सी एच थ्री का होल थ्री सी, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सी एच, फिर ओ, ये गलती नहीं होनी चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ, और गलती हो भी जाती है तो मान भी भूल है कई बार हो भी जाती है, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, फिर इसके बाद में है एच जी, एच जी, फिर ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ध्यान से देख लीजिए मैंने जो लिखा है वो सेम लिखा है, इस प्रकार से लिखा गया है। इसके बाद में आगे आप देख रहे हैं फर्स्ट, फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है आपके पास है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या चीज़ है, पहले NaBH4 है, NaBH4 के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ मतलब हो गया इसका रिडक्शन हुआ है, अपचेन हुआ है यहाँ से, तो रिडक्शन की प्रोसीजर होती है। तो यहाँ से H2 जो है वो जुड़ता है, आपको ध्यान है इसमें से, तो H2 जुड़ता है तो मैं H को जोड़ रहा हूँ इस प्रकार से, तो ये इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है H और H इस प्रकार से जुड़ता है H2, और ये यहाँ से क्या करता है इस वाले बॉन्ड को तोड़ देता है, ध्यान से देखेंगे, और इस वाले बॉन्ड को यहाँ से टूट जाता है, तो HG यहाँ से क्या होती है फ्री हो जाती है। तो ये इधर से टूटा, ये इधर से टूटा, तो पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट आई है NaBH4 वाली, जिससे बना है यहाँ पर CH3 का होल 3 सी सी एच ओ, फिर ओ जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे जुड़ा हुआ अपने पास सी एच टू, और आगे एक एच जुड़ गया ना सी एच टू, फिर एक एच और जुड़ गया, तो ये क्या क्या हो गया यहाँ से सी एच थ्री, प्लस एक साइड में क्या बना है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये आ गया ओ एच एसिटिक एसिड, प्लस बीच में मरकरी जो देखो फ्री हो गई यहाँ से एच जी, एच जी यहाँ से मरकरी जो है वो यहाँ से फ्री हो गई है, ठीक है। तो ये तो अपने पास सेकेंडरी प्रोडक्ट बन गया, यहाँ से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है, और ये अपने पास जो प्रोडक्ट बना है अभी ये वाला, ठीक है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दिखा रखी है, तो फर्स्ट अपने पास ये बन गया, इसके बाद में अपने इसकी सेकंड रिएक्शन देख रहे हैं, इसी के बाद में इसका सेकंड प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है इसी के जस्ट आगे की साइड में। इतना आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ तक कैसे बना, इतना आप प्रत्येक जो रिएक्शन है आप उसको यहाँ से देख के, और इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप उसको लिखिए और अपने नोट्स जो है उसको क्लियर कीजिए, आपको याद भी हो जाएंगे, और फिर इसको आप याद कर करके लिख लिख के बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में अपने पास जो आगे बना है इसी रिएक्शन में आगे, वो क्या हुआ है ये बनने के बाद में, देखिए मैं इसको आगे लिख देता हूँ, ये जो बना है वो अपने पास है सी एच थ्री, या मैंने लिखा है सी एच थ्री का होल थ्री सी सी, फिर सी एच सी एच, और सी एच जुड़ा हुआ है ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, फिर आगे जुड़ा हुआ है इसके सी एच थ्री, सी एच थ्री का होल थ्री सी सी एच सी एच थ्री ओ सी ओ सी एच थ्री, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर एन ए ओ एच है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है,
NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है NaOH की प्रेजेंस में, और इसमें एडिशन ऑफ H2O करना है, ठीक है ना, H2O का एडिशन करना है NaOH की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो यहाँ से H2O जो है अब लिखा हुआ नहीं है, अपने को याद रखना है कि H2O का इसमें एडिशन करना है, तो एक प्लस का एक माइनस का यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप एडिशन करोगे तो यहाँ से देखिए एक एच मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ओ एच मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का, तो ये वाला जो बॉन्ड है देखिए मैंने तोड़ा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखेंगे एक ओ जो है वो माइनस का है, सी जो है वो यहाँ पर प्लस का है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, सी एच थ्री का होल थ्री सी सी एच सी एच थ्री, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा है तो ये सी तो इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसमें एक नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से सी और ये ओ और एच, एक तो अपने पास ये आ गया ओ एच जिस कार्बन पर जुड़ा है उस पर दो जुड़े हुए हैं, ये टू डिग्री अपने पास एल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हो जाती है, और ओ एच यहाँ पर एक ही है, ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। प्लस सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या है इसका, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट आ गया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो एसिडिक एसिड के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से अल्कोहल जो है वो बन जाता है। तो अभी आप देख रहे थे बाई मर्क्यूरिएशन रिएक्शन, मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया जिसमें दो रिएक्शन होती है, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और वी मर्क्यूरीकरण, डी मर्क्यूरिएशन ऑक्सी मर्क्यूरिएशन। ऑक्सी मर्क्यूरिएशन में मैंने आपको ए बना के दिखाया था जो प्रोडक्ट अपने पास था ये वाला, इसके साथ में THF की प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, तो इससे Hg जो जुड़ा है Hg यहाँ पर जुड़ गया है, उसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरीकरण रिएक्शन, ठीक है। डी मर्क्यूरिएशन का मतलब होता है निकलना, डी का मतलब निकलना, वी मर्क्यूरीकरण मरकरी का निकलना, तो इस रिएक्शन के बाद में आगे जाके NaBH4 और यहाँ से NaOH के साथ रिएक्शन हुई, तो यहाँ से देखिए Hg जो है वो आउट होगी, तो Hg यहाँ से आउट होती है उसको बोलते हैं वी मर्क्यूरीकरण या डी मर्क्यूरिएशन रिएक्शन। तो एग्जाम में जो पूछी जाती है रिएक्शन वो ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण या ऑक्सी मर्क्यूरिएशन, डी मर्क्यूरिएशन के नाम से एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है और इसको आप इस प्रकार से वन बाई वन सोल्व कर सकते हो। आज हमने रिएक्शन देखी है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, ठीक है, और दूसरी देखिए बाई मर्क्यूरिएशन रिएक्शन जिसमें दो आई थी, ऑक्सी मर्क्यूरिएशन एंड डी मर्क्यूरिएशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो रिएक्शन है वो बिल्कुल से अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री श्याम, राधे राधे।